नमस्कार, आप सभी का वीर टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। भारत के दिग्गज आईटी कंपनियों में शामिल विप्रो ने बुधवार को अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। विप्रो कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में इतना बड़ा एक्शन लिया है। विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेम जी ने इसे कंपनी के साथ धोखा बताया है। रिशद प्रेम जी ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं है जो विप्रो के पेरोल पर रहते हुए मून लाइटिंग करते हैं। ऐसे में सवाल सामने आता है कि मून लाइटिंग क्या है, जिसके चलते लोगों की नौकरियां जा रही हैं। विप्रो प्रमुख रिशद प्रेम जी शुरू से ही मून लाइटिंग के कड़े आलोचक रहे हैं। इस बार ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में बात की थी। आइए समझते हैं मून लाइटिंग क्या होती है। मून लाइटिंग की परिभाषा की बात करें तो ये एक दूसरी तरह की जॉब है, जब कोई कर्मचारी अपनी फिक्स नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग कहा जाता है। आसान भाषा में आप इसे जॉब भी कह सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां इसे अनैतिक मानती हैं, बावजूद इसके लोग मून लाइटिंग करते हैं। आईटी उद्योग में मून लाइटिंग बहस का विषय बन गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करना सामान्य मानदंड बन गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे दोहरे रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने मून लाइटिंग को गलत बताया था और अपने कर्मचारियों को कहा था कि वे इससे दूर रहे। वे अगर ऐसा करते पाए गए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें ऐसी किसी व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं लगती। अगर कोई कर्मचारी अपना काम खत्म करने के बाद एक्स्ट्रा वर्क करे और कुछ पैसे कमाना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। इसे धोखा नहीं कहा जा सकता। मून लाइटिंग क्या होती है उसके बारे में। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।